आज हमारे पास निसान गाड़ी का एक टायर आया है जो 185/65R15 नंबर का टायर है। इसमें ये देखो एक कट लगा है, इसको आज रिपेयरिंग करेंगे। इसमें भी सस्ता ही काम करना है क्योंकि इस टायर में कोई ज़्यादा माल है नहीं। फ़िलहाल के लिए उसको स्टेपनी के लिए ये टायर बनवाना है। तो इसमें बीच में इसकी घिसाई करके, कुशन भर के और इधर उधर सिलाई मार करके, पीछे से बैक साइड से रबड़ ट्यूब लगा के और बाहर से ट्यूब लगा के इसको पका देंगे। चलो काम शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग पत्थर मैंने दूर से बना दिया बेटे, ये ग्राइंडर पत्थर हमने चेंज कर दिया है। इसकी पहले अंदर से ज़्यादा घिसने की जरूरत नहीं है, सफाई करनी है, ज़्यादा इसकी घिसाई नहीं करनी है, बस हल्की हल्की सफाई करनी है कि वहाँ पे सुलेशन सही से पकड़ कर ले, बाकी कंपाउंड अपना काम कर जाएगा। ये देखो अंदर से भी घिसाई हो गई है, अंदर से थोड़ी चौड़ी घिसाई कर दी है क्योंकि अंदर से थोड़ी बड़ी रबड़ लगाएंगे। अब मैं पहले सुलेशन थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ देंगे। कोडिंग गाड़ी होगी तो काम तो सेम ऐसा ही करेंगे, लेकिन पीछे रबड़ की जगह रेडियल पंच लगाएंगे। रेडियल पंच लगाने से मजबूत हो जाता है तो वो लोडिंग गाड़ी में आराम से वो टायर चलता है, क्योंकि उसमें कम से कम 80 से शुरुआत होती है और 120 तक हवा भरते हैं टायर में, और इसमें तो नॉर्मल 35, 32, 40, बहुत ज़्यादा है तो 40 भरते हैं। ये सवारी गाड़ी का टायर है तो इसलिए, और ये पुराना टायर भी है, जिस मालिक का ये टायर है उसको स्टेपनी के लिए ही चाहिए, तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, हमें इस काम में भी पैसे बचेंगे। हमें जैसा मर्जी काम कराए बंदा, ग्राहक हमसे जैसे काम कराए, हमें तो बेनिफिट मिल ही रहा है। इसको ऐसे कुशन को थोड़ा मोटा करके यहाँ पे ऐसे घुसा देंगे, काट देंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया था, फिर इसके अंदर घुसा देंगे। सेट करेंगे, इस साइज की ट्यूब काट के इस पर चिपकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी ट्यूब लगाओगे तो फिर ज़्यादा कुशन भी लगाना पड़ेगा। सही फाइल कर दूंगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास बड़ी बड़ी मशीन हो तभी आप काम करोगे, छोटी मशीन से भी हम काम शुरू कर सकते हैं, बस काम को तरीके से और सफाई से करना चाहिए। काम सभी होते हैं। तो पहले पुराने टायर पे प्रैक्टिस करो, कटाई की, छिलाई की, पकाई की, जो आपके पास जो कंडम टायर पड़े हैं उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो पहले, कितने मिनट तक ये पकेगा टायर उसको पका के देख लो, क्योंकि ये चीज़ें दुकानदार भी नहीं बताता, उनको खुद नहीं पता है तो वो कैसे सिखाएंगे दुकानदार आपको, वो तो सिर्फ मशीनें बेचते हैं। तजुर्बा हमें खुद से लेना पड़ता है, खुद से एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सिलाई थोड़ी सी दूरी से करना, ये धागा इधर जितनी लंबी सिलाई करनी है उसी हिसाब से धागे को निकाल लेने का। अभी तो ऐसे सीधा सीधा सिलाई करेंगे,
सीधी सीधी सिलाई तो हमने कर दी, अब इसको हम क्रॉस में, ये क्रॉस में करेंगे सिलाई इसकी। अब एक लिया इधर से और एक लेंगे इधर से, देख रहे हो ये एक हो गई क्रॉस में सिलाई। अभी इसको हम यहाँ से करेंगे, देखो ये हो गया ना क्रॉस में सिलाई। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ये सिलाई का काम कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे बैठा देंगे बढ़िया से कुशन को, लगाएंगे पूरे में। अब इसको हम इस पे चिपका देंगे, इसको इसको ऐसे रख के बस चिपका देंगे। ये इधर का काम पूरा हो गया, ठीक है। के बाद भी धागा ऊपर को हो जाता है जब वो गलता है, तो ये रबड़ है ये नहीं गलती है पकने के टाइम में, तो ये इसीलिए मैंने इसको ऊपर से रबड़ लगा देता हूँ। अंदर के हिस्से में भी ऐसे ही इन्सुलेशन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मोटी मोटी ट्यूब कटिंग करके इसमें लगाएंगे। रोड पे पूरी सुविधा नहीं है मेरे पास, ज़्यादा ही पेपर और रेती से ज़्यादा इस काम को मैं करता हूँ। ग्लेंडर का काम मैं कम करता हूँ क्योंकि डीजल से मैं हवा बनाता हूँ और डीजल इस टाइम महंगा हो गया है। जहाँ तक होता है तो मैं हाथों से ही काम को ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। ऐसे रख करके कटिंग कर लेंगे, तो ये रबड़ निकाल दो और ये सुलेशन बस इसको हल्का सा फोल्ड करके इस पे रख देंगे। हो गया ना काम, अब इसको हम पकाएंगे। पकाने के लिए इसको ले चलते हैं गोदाम पे। ये मशीन का तार बाहर निकाल देंगे, मेन इधर ये टेपर वाला हिस्सा नहीं है, ये सीधा है, तो यहाँ पे इस वाली प्लेट को लगाएंगे। ये प्लेट हमें ऐसे जमा करके चेक कर लेनी है कि ये सही बैठ रही है कि नहीं, जो सही बैठे उसी को लगाओ। अगर इधर होती तो यहाँ टेपर वाली लगानी होती, यहाँ बिल्कुल सीधा है तो हमें इसे लगाना है और अंदर टेपर आ जा रहा है। टेपर वाला हिस्सा ये इधर से ऊंचाई वाला हिस्सा लेना है और ये पैर ये देखना है कि किस तरफ से बैठेगा। ये इस घाट में इसको बैठाएंगे खांचे में और फिर इसको इस पे लगा देंगे।
इसको ऐसे करो और इसको ऐसे रख दो, ठीक है। और फिर इस वाले हिस्से को ऐसे रख के और ऊपर वाला जो हीटर का हिस्सा है इस पर ऐसे लगा देंगे। शुरू शुरू में थोड़ा कठिन तो लगता है इस काम को करने में, जब करते रहोगे तो आसान हो जाएगा यही काम। क्या करते वक्त ये निशान गाड़ी सवारी का टायर है, टैक्सी का है ये, तो टैक्सी का तो पता ही है कि ज्यादा खर्चा करेंगे तो टैक्सी वालों की इस टाइम कितनी कमाई हो रही है, तो सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तो हमें उसी हिसाब से काम करके देना है। और ये दीवार दीवार से इस पे सपोर्ट दे दिया हमने, अब इस तार को लगा देंगे, ये मेन बोर्ड में लगा देंगे, वहां से इसको हम 25 मिनट के लिए इस पे रखेंगे पकने के लिए, फिर इसको बंद कर देंगे। ये टाइमर बंद हो चाहे ना हो, घड़ी के टाइम से 25 मिनट हमें इसको देखना है। टाइमर का अपना काम है और हमें अपने घड़ी से अपना दोनों चीज़ से देखेंगे तो टायर जलने का चांस नहीं होता। अब ये पकाने के बाद निकालते हैं। टाइमर चालू हो गया है, 25 मिनट के लिए लगा दिया है इसको। अब ये पक गया है, इसको हमने 30 मिनट के लिए इस पे छोड़ दिया था। जब ये प्रॉपर अपने से पूरा ठंडा हो गया ये देखो पक गया ना बिल्कुल सॉलिड, इधर से पूरा पक गया। अभी अंदर से भी दिखा रहा हूँ, इधर से देखो दिखा दो, सॉलिड पक गया है। अगर ये जानकारी आपको सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।